मौलाना अब्दुल कादिर को योगी ने सिखाया खतरनाक सबक, हुआ ये हाल, इसे होगी इतनी कठोर सजा, रूह कांप जाएगी सुनकर इस दुराचारी मौलाना की। गरीब की बेटी को न्याय दिलाने के लिए योगी ने मौलाना अब्दुल कादिर का कर दिया जीना हराम। ये यूपी है और यहाँ योगी सरकार में गुंडे, माफियाओं, भ्रष्टाचारियों और दुराचारियों के लिए सिर्फ एक ही जगह है, वो है जेल। और ये बात सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ डंके की चोट पर कई बार कह चुके हैं और हर बार यूपी पुलिस ऐसे लोगों पर शिकंजा भी कस रही है और जो अपराध कर रहे हैं उन पर कार्रवाई भी किया जा रहा है। अब एक बार फिर से योगी की पुलिस ने एक ऐसे ही आरोपी पर तगड़ा एक्शन लिया है जिसका नाम है मौलाना अब्दुल कादिर। चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला, बने रहिएगा आखिर तक हमारे साथ। अमरोहा की डिडौली कोतवाली क्षेत्र में स्कूल में पढ़ने के बाद दीनी तालीम लेने गई छात्रा के साथ मस्जिद के मौलाना ने गलत काम किया। 15 दिन पहले हुई इस घटना में पुलिस ने FIR दर्ज कर तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी थी। अब इसी मामले में एक्शन लेते हुए यूपी पुलिस ने संभल के रहने वाले आरोपी मौलाना को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेजने की तैयारी कर रही है जिससे समझा जा सकता है कि योगी सरकार में किस तरीके से 15 दिन में ही न्याय मिलता है। फिलहाल मौलाना को उसके कर्मों का फल मिलना शुरू हो चुका है और वो जल्द ही उम्र कैद की सजा भी काटने वाला है। बता दें कि ये पूरी घटना डिडौली कोतवाली क्षेत्र के एक गाँव की है जहाँ पर रहने वाला एक गरीब परिवार किसी तरह से अपनी जिंदगी चला रहा था। परिवार का मुखिया ट्रक चलाकर घर का पालन पोषण करता है जिसकी बेटी के साथ 15 दिन पहले अन्याय हुआ था। आरोप के मुताबिक ट्रक चालक की बेटी गांव के ही निजी स्कूल में 8वीं क्लास में पढ़ती है। इसके बाद वो गांव के ही मस्जिद में दीनी तालीम हासिल करने जाती थी जहां मौलाना ने छात्रा के साथ गलत काम किया। मौलाना पर आरोप है कि पढ़ाई के बाद उसने छात्रा को झाड़ू लगाने के बहाने रोक लिया और बाकी बच्चों को घर भेज दिया। इस दौरान मौलाना ने छात्रा के साथ जबरदस्ती गलत काम किया। जब छात्रा घर पहुंची और पूरी घटना उसने अपने परिवार वालों से बताई तो घर वालों के होश उड़ गए। इसके बाद योगी की पुलिस ने आरोपी मौलाना के खिलाफ FIR दर्ज की है और तुरंत कार्रवाई भी शुरू कर दी थी और उसे तुरंत गिरफ्तार भी कर लिया गया। अब उसे सजा दिलाने के लिए तैयारी की जा रही है। इसी से समझा जा सकता है कि किस तरीके से योगी सरकार में गरीबों और बच्चियों के खिलाफ अन्याय होने पर एक्शन लिया जाता है और उस पर तुरंत कार्रवाई कर उसे सही ठिकाने पर भेज दिया जाता है। बहरहाल मौलाना अब्दुल कादिर जैसे लोगों के खिलाफ इसी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि ऐसा गुनाह करने से पहले ऐसे लोग 1000 बार सोचें। फिलहाल इस तरीके से योगी सरकार में पुलिस शानदार काम कर रही है और ऐसे मौलानाओं पर लगातार एक्शन ले रही है। इस पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।